तो इस वक्त सीधे मौसमी सिंह का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौसमी के साथ मौजूद हैं। मौसमी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है और कांग्रेस का मानना है कि बंद जो है वो जबरदस्त तरीके से सफल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ है। हुड्डा साहब, क्या आपको लगता है ये बंद सफल है? लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही सरकार कि आप किसानों के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। हम तो किसी पे निशाना साध रहे, हमने तो एक बात की, किसानों की मांग का समर्थन करें क्योंकि उनकी मांग जायज है, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और ये बंद कामयाब। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, ये रिफॉर्म्स ला रहा था ये पूरा कानून और आप लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भटका रहे। नहीं, रिफॉर्म्स लाए, मैं मानता हूँ इस बात को, रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन जो मौजूदा कानून आए हैं वो किसान के हित के नहीं हैं, तो इनको लेके पार्लियामेंट का सेशन बुला के जो लाना रिफॉर्म्स लेके आए और रिफॉर्म्स होंगे तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष खुद बुरी तरह से बटा हुआ है। शरद पवार साहब ने खुद चिट्ठी लिखी थी कि जो है मंडियों को का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, उनका निजीकरण होना चाहिए। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आज भी कह रहा हूँ आनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, लेकिन किसान को MSP मिलनी चाहिए, उसकी गारंटी करो भाई, किसान के हित प्रोटेक्ट होने चाहिए। क्या आपको लगता है बंद जो है पूरे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सफल रहा है? अभी क्या रिपोर्ट? देखो, जो मेरे पास रिपोर्ट है वो सफल है। एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या आपको लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ और आग्रह करता हूँ सरकारों से कि किसान की बात जो है मांग वो मानी जाए, क्योंकि मांग जायज है। हरियाणा की सरकार क्या स्थिर है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विश्वास खो चुकी है, कितने विधायक आपके संपर्क में हैं JJP? देखिए, कितने विधायक संपर्क में ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सरकार के 2 इंडिपेंडेंट तो विड्रॉ कर चुके हैं और 6 या 7 जो है जो JJP के हैं उनके बयान आ चुके हैं। इसी वास्ते राज्यपाल जी को मैंने पत्र लिखा है कि तुरंत सेशन बुलाया जाए, डिस्कस किया जाए, ये कृषि कानून भी डिस्कस किया जाए और APMC में जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, हम पूरे प्रदेश को APMC के अंडर लाना चाहते हैं, वो मरा जो मैंने पहले भी और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो जिस दिन विधानसभा का स्तर आएगा उसी दिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के जीत जाएंगे। आप जो कह रहे हैं जिस हिसाब से, वो पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन इधर। तो यहाँ पे चित्रा, कांग्रेस पार्टी काफी गदगद नजर आ रही है, जो भारत बंद हुआ है उनके